अनंत कोटि ब्रह्मांडर नाथ जगदीश्वर महाप्रभु जगत्र नाथ जगन्नाथ देव देव बलदेव देवी माता सुभद्रिका चक्रराज सुदर्शन जींकर पावन पदारविंदर अनंत कोटि भक्तिपुत प्रणति निवेदन करी सिद्धार्थ भक्तिर परम पावन कार्यक्रम भागवत टुंगीर अगणित श्रद्धालु दर्शक बंधु मानकु सभक्ति जय जगन्नाथ प्रणाम निवेदन करुची। भक्त बंधु विगत पर्यायर आम मैंने शुणुले भगवान कूर्म अवतार कश्यप रूप धारण कर गिरी टेक धारण करते महाप्रभु जिते धर्मर रक्षार आवश्यकता पड़ू निजे कच्छप रूप हवाको पछे ना जहाँ द्वितीय स्कंदर सप्तम अध्याय आम मैंने आस्वादन करते प्रभु किभली भाव ये मंदर पर्वत को धारण कले समुद्र मंथन है एवं अमृत बाहर से कथा को विस्तीर्ण भाव आम मैंने अष्टम स्कंदर चर्चा बेले आस्वादन करवा परंतु आज पुनश्च से द्वितीय स्कंदर सप्तम अध्याय महाप्रभु कौन कहते बड़ सुंदर भाव ये तो ब्रह्मा नारद संवाद चली ब्रह्मा नारद को कहते जेई संकट अवस्था भगवान कौन कले पर्वत को टेक धरले एवं धरवा समय जिते पर्वत को देवता मैंने राक्षस मैंने घर्षण महाप्रभु को जमी जादू को कुंडले कुंडवा समयटा बड़ आरामदायक होता है ये बड़ पर्वत को जिते महाप्रभु घर्षण करागला से ही समय प्रभु को किमती अनुभव है गिरी घर्षण कंडु सुखे निद्रा नयन अधमुखे गोविंद 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 पदुगड़ुची मकरंद बोली सच्चिदानंद भगवान की ब्रह्मा कहते हे देवर्षि नारद जिते ये बड़ पर्वत खंड महाप्रभु घर्षण करागला से कंडु जनित जो सुख है महाप्रभु टी अर्ध निर्मित चक्षुरी टी विश्राम ने आते महाप्रभु श्वास प्रश्वास ने बड़ पर्वत घर्षण चली श्वास प्रश्वास आज भी समुद्र जुआर आउ भट्टा ये जो लहड़ी सब हो भगवान कच्छप भगवान श्वास प्रश्वास प्रभाव में ये जो जुआर होटा हो समुद्र लहड़ी सब सृष्टि तापर भगवान कौन अवतार ने कहे पुणी नूर सिंह अवतार गोविंद देवंक भय कले दूर गोविंद 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 मकरंद गोविंद प्रहलाद को रक्षा करी गोविंद हिरण्यकशिपु बिदारी गोविंद 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 पदुगड़ुची मकरंद गोविंद रमाई भ्रुकुटि कुटिल गोविंद दंत श्रीमुख विकराल गोविंद 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 पदुगड़ुची मकरंद गोविंद गदा बुलाई अति वेगे गोविंद दैत्य मिलला आसिया गे गोविंद 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 पदुगड़ुची मकरंद गोविंद तक्षणे उरु मध्ये धरी गोविंद नखाग्रे हृदय बिदारी गोविंद 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 पदुगड़ुची मकरंद गोविंद नृसिंह भगवान की जय उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतो मुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मूर्तिं मूर्तिं नमाम्यहं नृसिंह भगवान की भगवान प्रहलाद सुखिला काठरु तुम्बे जीवंत देवता अहरह प्रहलाद करितव चिंता जो भक्त प्रहलाद जे हिरण्यकशिपुर नंदन आम मैने समस्ते जाचे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ये होती दीति गर्भर जन्म लाभ करते संध्या समय कश्यप ऋषि की दीति प्रार्थना कले मत एवं पुत्रवती करतु जिते बुझेले भी दीति बुझाक नाराज कश्यप कहले देवी यहाँ संध्या समय
ଏହି ସମୟରେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା, ପୂଜା କରିବା କଥା, ତପସ୍ୟା କରିବା କଥା, ତର୍ପଣ କରିବା କଥା, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା କଥା, ବନ୍ଦନା କରିବା କଥା, ଏ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ତମେ ପୂଜା ପାଠ ଛାଡ଼ି କାମ ସୁଖ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ରାମ ସୁଖ ଛାଡ଼ି ନା ମୋତେ ସେହି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣାନ୍ତୁନି, ମୋତେ ଏବେ ପୁତ୍ରବତୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହି ସ୍ୱାମୀକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ମିଳନର ସୁଖ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହୋଇଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, କାଳ ସମୟରେ, ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନାର ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର ହେଲା ସେହି ସମୟରେ, ତ କ'ଣ ହେଲା ଫଳାଫଳ? ପିତା ମାତା ସଂଯୋଗ କାଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଜା ଲେଖ ଏକ ପାଳେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ନେଇକିରି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାରେ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା, ଅମୃତ ବେଳା, କାଳ ବେଳା, ଏସବୁ ବେଳା ଅଛି। ଠିକ୍ ବେଳାରେ ଯଦି ପିଲାଟିଏ ଗର୍ଭରେ ରହିଥିବ, ସେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ହେବ ବା ମହାପୁରୁଷ ହୋଇପାରେ। ସେହି ମା' ଗର୍ଭରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ, ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଚୋର ଡକାୟତ ବି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସମୟ ନେଇକିରି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କର ମିଳନ ହେବାରୁ ଯେଉଁ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର ହେଲା, ଦେବୀ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଏ ଗର୍ଭରେ ଯିଏ ରହିଲେ ସେ କ'ଣ ହେବେ, କି ପିଲା ହେବେ? ନା ଯୋଡ଼ିଏ ରାକ୍ଷସ ହେବେ, ଗୋଟିଏ ନୁହଁ ଦୁଇଟା ରାକ୍ଷସ ତମଠୁ ଜନ୍ମ ନେବେ। ମା' ବିଚରା କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ମୋ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ରାକ୍ଷସ ହେବେ ନା? ହଁ, ଜଣେ ହେବ ହିରଣ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ଜଣେ ହେବ ହିରଣ୍ୟକଶିପ। ହିରଣ୍ୟ କହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ଦୁଇ ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟ ଏବଂ ବିଜୟ, ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ ରାକ୍ଷସ ହେବା ପାଇଁ, ଏବେ ହିରଣ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶିପ ହେଲେ। ସେଇ ହିରଣ୍ୟକ୍ଷକୁ ଭଗବାନ ବରାହ ଅବତାରରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ବା ଭାତୃକୁ ଭାଇକି ତାର ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ତପସ୍ୟା କଲା ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ତା ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକରି କହିଲେ, କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ? ତ ସେଇଠି ହିରଣ୍ୟକଶିପ ମାଗିଥିଲା, ମୁଁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବିନି, ନିଆଁରେ ପଡ଼ିବିନି, ଅସ୍ତ୍ରରେ ଛିଡ଼ିବିନି, ପବନରେ ଉଡ଼ିବିନି, ନର ହାତରେ ମରିବିନି, ପଶୁ ହାତରେ ମରିବିନି, ଘରେ ମରିବିନି କି ବାହାରେ ମରିବିନି, ବାର ମାସରେ ମରିବିନି, ସକାଳେ ମରିବିନି କି ରାତିରେ ମରିବିନି। ବ୍ରହ୍ମା ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ମାଗିଥିଲା ମୋତେ ଅଜରାମର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ସେଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଠି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରାଇ। ଚିନ୍ତା କଲା, ଯଦି ମୋତେ ଅଜରାମର ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନର ଅଥବା ପଶୁ ହସ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଥବା ରଜନୀ ଦିବସେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଘରେ ବାହାରେ ନ ମରିବି ଗୋବିନ୍ଦ ଅଜରାମର ହୋଇଥିବି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ବୋଲି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି। ଚିନ୍ତା କଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ଏମିତି ତ ବ୍ରହ୍ମା ମୋତେ ଅଜରାମର ବର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଭଳି ବର ମାଗିନେବି ଯେମିତି ନର ହାତରେ ମରିବିନି କି ପଶୁ ହାତରେ ମରିବିନି, ଘରେ ମରିବିନି କି ବାହାରେ ମରିବିନି, ଦିନରେ ମରିବିନି କି ରାତିରେ ମରିବିନି, ବାର ମାସରେ ମରିବିନି, ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବିନି, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବିନି, ଅସ୍ତ୍ରରେ ଛିଡ଼ିବିନି, ପବନରେ ଉଡ଼ିବିନି। ବ୍ରହ୍ମାବୁ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ, ତାହିଁ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି କୟାଦୁ। ସେଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଥରେ ତପସ୍ୟାକୁ ଯାଇଛି, ତ ଦେବତାମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତପସ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଯାଏ ତାହେଲେ ଦେବତାମାନେ ପଳାୟନ କରିବେ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ରହିବନି, କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଗୁରୁଦେବ କିଛି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ତ ବୃହସ୍ପତି ଏହି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଗୋଟେ ତୋତା ଶୁଆ ରୂପ ଧରି ମନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ଯେଉଁଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ତ ସେଇଠି ଆସି ଶୁଆ ରୂପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ନାରାୟଣ 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 ହରି ନାରାୟଣ 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 ହରି ନାରାୟଣ 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 ହରି ନାରାୟଣ 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 ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ।
बोली श्रीमन्नारायण भगवान की। हिरण्यकशिपु जाई तपस्या बसिचंती एई समरे देवता मानकर गुरु बृहस्पति श्रीमन्नारायण नाम उच्चारण करुचंती गोटे स्वरूप धारण करी चिंता कले हिरण्यकशिपु आज बेलाटा भल ना कहीं जे राक्षस भगवान नाम संकीर्तन भल लगे ना भगवान कथा शुणा को भल लगे ना चिंता कले ना आज नुह आउ गोटे दिन आसबि ते हिरण्यकशिपु तपस्या छाड़ी निजर गृह को फेरी धर्मपत्नी कयाधु देखिले स्वामी सका जाते पुणी संध्या पूर्व फेरी आसिले कौन गोटे दिन में मो स्वामी सिद्धि होगा कौन बड़ जत्नर सहकार से सेवा कले निज हाथ में रोसे कर बढ़िया गरम गरम खाद्य परसीदे आद्य को दे सही हाथ जोड़ी पचार स्वामी सत्य मुते सौभाग्यशाणी आपण पति की प्राप्त हो स्वामी तेना आपण को तो देखिले इंद्रचंद्र जी देवता मैंने भय करती तो आज कौन आपणकर तपस्या सिद्धि होगा देखु स्वामी ठार उत्तर नापाई कि प्रकार प्रयास करयाधु स्वामी कहले देवी मु तपस्या थीजे किंतु मोर शत्रु ना शुणिक देखिले आज दिनटा भल ना आपणकर शत्रु किए किए आप शत्रु ना उच्चारण कला ना गोटे चढ़ई टीए गोटे शुआ टीए श्रीमन नारायण नारायण कहवर मुझा भल मन कले तपस्या करने को फेरी आसली कयाधु चिंता कले मुरा पत्नी पत्नी अर्थ हूँ पत्नात त्रायती पत्नी जे स्वामी को पतन मुखर उद्धार करती सी हूँ पत्नी मो स्वामी की आज कौन सी प्रकार मु राक्षस जनि उद्धार करी उद्धार करने प्रयास जारी रखिले कयाधु खावाक दे सारापर विश्राम कले विश्राम कलापर पाद सेवा कर कहे स्वामी आपड़ जो शत्रु नाँटी कहते कौन ना टी कहना ना नारायण ना से शुआटी केमी गाइला नारायण टी आप स्वर दे गाते हिरण्यकश्यपुर स्त्री जिते चाहूँगी सुंदर स्वर से भगवान नाम शुणापी से कौन भगवान नाम जप करतन करूला केवल स्त्री के खुशी करने शुआ केमी गाला गाइले हिरण्यकश्यपु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 बोल श्रीमन्नारायण भगवान की जय। तो चिंता कले कयाधु मु आज आंको ठारु कोनोसे प्रकारे 108 थर भगवान कर नाम उच्चारण करी ताई हेला बाँ पाद पर डाण पाद पिठी अंटा सब जिते चिपि दौंस सेवा करिरण्यकशिपुंकर यही समय रातिर मध्यान मझी समय आसी जाइछि पति पत्नी मिलन हो जाइछि गर्भ संचार हेला आउ से गर्भ भगवत नाम स्मरण पूर्वक होवारु से गर्भरे किए रहिला बोल भक्त प्रह्लाद महाराज की जय। जते प्रह्लाद रहिला तबे चिंता करंतु भक्त बंधु से प्रह्लाद को उद्धार प्रह्लाद पाई भगवान कण कले नरसिंह अवतार नेले जते हिरण्यकशिपु प्रह्लाद को पुनश्च हिरण्यकशिपु जाइचंती तपस्या करिचंती आउ से तपस्या सिद्धिलाभ करी जिते फेरी चंती देखिले पुओटी से पुओटी की बड़ा जत्नर सहकार पालन करी गुरु गृह पाठ पढ़िया को पठाई गुरु किए दैत मानकर गुरु होती शुक्राचार्य दुई पुओ थिले जनक ना षंड आउ जनक ना हूँ अमरक तांकरी पाखरे प्रह्लाद पाठ पढ़ुचंती हिरण्यकशिपु दिने जाई पचारुचंती बापा कौन पाठ पढ़ी कहिलु पिलाटी कहिला बापा ए संसार नुह कहारी नवल मोहरी मोहरी देख ए गृह अंधकूप आत्मा निपाती महादुख बापा को ज्ञान देला जे संसार आ रुहना जिते शीघ्र पार्थ तपस्या करने को पलांतु हिरण्यकशिपु भयंकर भाव में रागिगला षंड अमरक को डकेला किए तुमको कहला ये पाठ पढ़ापी से भी हाथ जोड़े महाराज आम ये पाठ पढ़ेनु पचारे कह ते ज्ञान देला किए तो हिरण्यकशिपु को भय करी प्रह्लाद कहला हे पिता मातृगर्भरे शिशु थिला बेले जी तांको खाद्य पानीय एवं पवन जोगे थाए से ही मते ज्ञान देइछंती षंड अमरक हाथ जोड़ी क्षमा प्रार्थना कले महाराज यही थरक आपण आमको क्षमा करंतु आम भल भाव पाठ पढ़ेबू हिरण्यकशिपु प्रत्यावर्तन करिछंती पाठ पढ़े चलिले किंतु जी मातृगर्भरे रही पाठ पढ़ीछंती तांको बा ये पाठ ये पढ़ेबे से मातृगर्भरे थिला बेले
जेतले इंद्र कयाद को हरण कर नहीं जाऊते से ही समय देवर्षि नारद सहित इंद्रंकर भेट होता। देवर्षि नारद कहे इंद्र ये कौन करुछंती? अरे या गर्भर जो दिव्य शिशु जन्म ने भगवान अवतार हे तो मातृगर्भर थी बेले कयाधु देवर्षि नारद ब्रह्मज्ञान प्राप्त होती मैंने गर्भर थी प्रहलाद ब्रह्मज्ञान जानी प्रकृत विद्या क्या कहती राक्षस पा विद्यालय रही शिक्षा दे पिला सा विद्या जहाँ विमुक्त से ही हूँ विद्या जहाँ को जाणिले जीव बंधन पड़े ना मुक्ति मार्ग जात्री हुए। तापर जिते हिरण्यकशिपु पुनश्च पुह को पाठपढ़ा विषय पचार पुह कहते प्रहलाद कहते पिता श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदनं दास्यो सख्यमात्मो निवेदनम् निजर व्यवहार को परिवर्तन करिबा उचि प्रकृत शिक्षा। तो सेई कथा प्रहलाद कहुचंती मु शिखिचि कर्णर व्यवहार कण श्रवणम भगवान कथा श्रवण करिबा तुंडेरे भगवान कीर्तन करिबा जेतले नवदा भक्तर उपदेश देइचंती भयंकर भाव हिरण्यकशिपु क्रोधरे जळी उठिचि किए अच्छे निय एक हत्या कर ये मोर पु नुहे प्रहलाद को मारियापाई समस्त व्यवस्था करु रखे अनंत कि पारे बलवंत गोविंद 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 भागवत भगवान की प्रहलाद को जल रे बुड़िया पर्वत उपर कचाड़ी एवं निजे हिरण्यकशिपुर भौणीर ना हुलिका जी अग्नि भितर प्रवेश कले जल्वा कथा नुहे सी प्रहलाद को धरी पशिंट सी भस्म हो जाती प्रहलाद किसी है तक्षक नाग पाखे छाड़ नाग भी दंशन करनी उपवास रखिंट तथा तो प्रहलाद को असुविधा है माँ ताक अन्नपाणी दबे किए अटक कर पार ये जावतीय व्यवस्था सत्ते जो प्रहलाद न मरी तांको मारिया पाई हिरण्यकशिपु कहउचंती रे मूर्ख कह जदि बंचिबु दिना केते गोविंद हरि न भज कदाचिते गोविंद 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 पदुगळ छि मकरंद गोविंद जदि भजिबु हरि हरि गोविंद अल्प दिने जीवु मारी गोविंद 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 पदुगळ छि मकरंद गोविंद श्रीमद् भागवत भगवान की श्री भागवत भगवान के अमृतमय कथा को आम मैंने आस्वादन करवा सज्जन वृंद आम मैंने शुणुले तो प्रहलाद को हिरण्यकशिपु कहुचि जदि बंचिबु दिना केते हरि न भज कदाचिते जदि भजिबु हरि हरि अल्प दिने जीव मरी प्रहलाद हाथ जोड़ी कहते हे पिता ये घमंड बुद्धि त्याग करंतु ये दुष्ट बुद्धि त्याग करंतु भगवान तो अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान सी तो जल स्थल वनगिरी आकाश तांको लीला सबुठारे प्रकाश आपण तांको प्रति एत क्रोध काही करुछंती रे मूर्ख बारंबार भगवान हरि नारायण मो पाखे उच्चारण करुचि कह कह तो प्रभु कौटी अच्छा ना पिता सी तो अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान सी तो सबुठे अच्छा कौन ये खुंबरे से अच्छा हाँ निश्चय से खुंबरे अच्छा जिते कही से खुंबरे अच्छा बोली प्रहलाद कहते हाँ प्रभु अच्छा भयंकर भाव में क्रोधित ही हिरण्यकशिपु गदाघात करी खुंभ को जिते खुंभ को गदाघात कला यही समय भगवान कौन कले भ्रमाई भ्रुकुटी कुटील दंत श्रीमुख विकराल गोविंद 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 पदु गड़ुचि मकरंद माजार मूषिक कु जेने धरिले दैत कु तेने गोविंद 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 पदुगळुचि मकरंद भक्त विकळ देखि हरि स्तंभरु आसिले बाहरि गोविंद गोविंद गोविंद
मधु गड़ुछि मकर नृसिंह भगवान की भयंकर भाव जिते हिरण्यकशिपु मड़ी जाइछि पदाघात करिछि पदाघात करिछि खुंभ भितर सुखिला कटरु भयंकर रूप धारण करिछन्ति प्रभु उग्रवीरं महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मूर्तु मूर्तु नमाम्यं बोल श्री नृसिंह भगवान की जय। निकटाल दंतपाती आलुलायित केशराशी समुद्र जितने समुद्र को आपण मैंने लक्ष्य कले देखिए जो विची माला जो लहड़ी माला जमी माड़ी आसे तो भगवान केशराशि से भाव में लुलायित होती निजे रोमराज सब जाग्रत हो जाती दंत कटमट हूँ दंत लह लिहा माड़ी बसिले हिरण्यकशिपु गोसारी गोसारी नहीं एरुणी मंद पाखे पहुँचीगले एवं निज जंघ उपरे प्रभु पकेले तक्षणे उरु मध्ये धरी नखाग्रे हृदय बिदारी गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद महादैत को संहारिले संसार संकट उतारिले गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद श्रीमद भागवत भगवान की निज जंघ उपर पकई जत हिरण्यकशिपु को नखाग्रे विदारण करिछंती तथापि हिरण्यकशिपु कहला ना मत मारी पारे ना कहीं मु दिन में मरबिनि कि राति में मरबिनि भगवान कहले इन संध्या बेल मरबुना ना 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 मु मरबिनि ना कहीं मु स्वर्ग में मरबिनि कि धरित्री उपरे मरबिनि ना तते से मो जघ जंग पकई ना मु मरबिनि ना कहीं मरबिनि ना मु घरे मरबिनि कि बाहर मरबिनि भगवान कहले से तते मुड़ी तल को आनी मरबुना ना 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 मु मरबिनि ना कहीं नर भात में मरबिनि कि पशु हाथ में मरबिनि भगवान कहले देख ना मु नर ना मु पशु मु नर सिंह ना ना मु मरबिनि ना कहीं मु अस्त्र मरबिनि कि शस्त्र मरबिनि भगवान देखिले नख एटा के अस्त्र ये तो अस्त्र नुहे एवं मरबुना ना ना मु बार मस मरबिनि ना तोपाई से पुरुषोत्तम मास मल मास सबु प्रकार व्यवस्था करी भगवान हिरण्यकश्यप को विदारण करिसंती तार अंत बुजुला आणि सर्वांग शरीर में पैतावली पकईंती रक्त को ढक ढक करी पी जाइंती किड़े कृपाळु किड़े दयालु प्रभु भक्त को रक्षा करिया पाई आज नरसिंह अवतार कले जे मृत्यु को मध्य मृत्युदंड देलाबला उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्यु नमाम्यं जे मृत्यु को मृत्युदंड देलाबला भक्त पाई कौन न करी पारंती प्रभु से महापुरुष अच्युतानंद किड़े सुंदर भाव में कहते प्रभु आपण भक्तर भक्त आपण भक्तर भक्त भाग भी भल पाती से नरसिंह भगवान ये जगतर कल्याण करंतु आज पाई ये कथा को रखा पुणी परवर्ती कथा आगामी पर्याय आस्वादन करवा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ श्रीमद् भागवत भगवान की।